हेलो दोस्तों, दिस इज मेटाफॉर्म एनसीएम मोटर्स। आज की जो वीडियो है दोस्तों बेसिक्स के ऊपर है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है क्योंकि ये बाइक जैसे मेरे पास आई, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, बिल्कुल भी कुछ भी रिस्पांस नहीं है। बाइक में पेट्रोल ही फुल है बट फ्यूल पंप से पेट्रोल नहीं आ रहा है। इसमें एक छोटा सा मतलब एक ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, क्लाइंट से मैंने बोल दिया प्रेशर नहीं आ रहा है तो इसका फ्यूल पंप डलेगा। बट मैं इसको खोल के देखूंगा, इसमें एक छोटी सी कमी आ रही है। पता है क्या है, जब हम पेट्रोल पाइप निकालेंगे इसका तो जब भी पेट्रोल गिर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर से हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको क्या है। जब इसको ये पाइप निकालेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ है लॉक इसके, ये रहे, इसको दबा के ये देखो, बिना अभी चाबी अभी सब ऑफ पड़ी है बट ये पेट्रोल ऐसे गिर रहा है इसका इस तरीके से। अब एक बार इग्निशन ऑन करना, प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा, ऑफ करो स्विच, ऑन करो, कुछ भी प्रेशर नहीं आ रहा, मगर मोटर के अंदर से आवाज़ आ रही है। सुनाओ, हाँ मोटर काम कर रही है, बस हटाओ बंद करो। मगर इसको ना ये देखो ये हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इसका जो फ्यूल पंप के अंदर का जो बॉडी हमारी वहाँ से कहीं से लीकेज हुई है या इसका पाइप टूट गया, क्या है। तो मैंने क्लाइंट से बोला, भाई देखो मैंने ऑर्डर हमारे पास है, आप बाइक को छोड़ के जाइए तो हम चेक करेंगे इसको। अगर फ्यूल पंप सही हुआ तो फ्यूल पंप तो हम इसको सेट कर लेंगे, और अगर ख़राब हुआ तो चेंज कर देंगे। ये आपकी वीडियो बहुत काम आने वाली है कि अंदर ऐसा क्या हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है। मोटर ख़राब हुई है, बॉडी ख़राब हुई है, क्या अभी खोल के दूध का दूध और पानी का पानी, नहीं लीकेज का लीकेज और पेट्रोल का पेट्रोल, जो भी है मोटर की मोटर और लीकेज की लीकेज अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो खाली आओ, सीट खोलो, टैंक खोलो, फ्यूल पंप निकालो उसका। पाइप से पेट्रोल गिर रहा है, पेट्रोल वेस्ट नहीं होना चाहिए तो उंगली लगा लेना उस पर। यहाँ से सीट उठा देता हूँ थोड़ी, चलो टेढ़ा कर लो उससे, फ्यूल पंप खोलो उसका, बाप नहीं आएगा, टेढ़ा कर दे सारा, निकालो फ्यूल पंप। अभी देखते हैं कि आखिर हुआ क्या इसके अंदर, मोटर ख़राब हुई है मतलब फ्यूल पंप खराब हुआ है या क्या हुआ है। ओहो, ये तो अलग ही पड़ा है पूरा, यहाँ से दिख रहा है आपको, ये रहा यहाँ से ये चीज़, लॉक टूटा हुआ है इसका और ये अलग है इसकी रबड़ भी। आइए मैं पास से दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो दोस्तों। एक तो ये लॉक टूटा हुआ है इसका, ये रहा, ऊपर से ये बॉडी यहाँ से निकली है जिसकी वजह से बिजली क्या होता है, यहाँ से इसने पेट्रोल यहाँ से खींचा इसने, ठीक है, यहाँ से खींचने के बाद इस पाइप के थ्रू, मुझे लगा था ये पाइप फट गया होगा, प्लास्टिक का बेसिक्स में वाला प्लास्टिक का पाइप है, बट मैंने कहा एक उम्मीद थी कि भाई फट गया होगा, बट ये वाला बिल्कुल सही, यहाँ से पाइप इसके थ्रू होके यहाँ पे और हमारा इंजेक्शन के लिए जो हमारा इंजेक्टर है वहाँ के लिए चले जाता है। ठीक, तो अब इसको अगर ये तो निकला ही पड़ा है, ओहो अंदर रबड़ भी निकली हुई इसके, वो देखो ये रबड़ भी इसकी निकली हुई है ओरिंग, तो कहाँ से प्रेशर आएगा। तो इसी वजह से प्रेशर नहीं आ रहा था कि सारा पेट्रोल यहीं से निकल रहा, जो पेट्रोल यहाँ पे वो सब इसके थ्रू यूं के यूं निकल रहा है। ठीक, चलिए अब इसको फिट करते हैं, बट ये है कि लॉक टूटा हुआ है इसका, सोच रहे हैं क्या करें। इससे वो ना हल्का सा ऑयल लगा लिया करो उस रबड़ पर, ताकि क्योंकि जितने मैकेनिक भाई देख रहे हैं उनको पता है कि रबड़ आसानी से बैठती नहीं है, ये तो बहुत आराम से बैठ गया और ढीला भी है यार ये, तो उसको कुछ टाइट करने का जुगाड़ बनाना पड़ेगा। देखो ना ढीला है यार ये, इसको हम कैसे टाइट करें, ये लॉक भी, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो यहीं लगे रहो यार। इसको दोस्तों कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा, हाँ केबल टाइप से अगर हम इसको बांध दें नीचे करके, पहले इन दो को बांध देते हैं आपस में इस तरीके से, क्योंकि फैला हुआ यहाँ पे गैप आ रहा है, देखो ये लॉक नहीं कर पा रहा। तो फालतू में ये 5500 रुपये का है तो डाल के कोई फ़ायदा नहीं, इसी को सही करते हैं। इसको बांधने का जुगाड़ देखता हूँ कुछ, अब इसकी बॉडी इस वाले होल ने क्या करा, इसको दबा के रखा, इस वाली केबल टाई ने इसको दबा के रखा यहाँ पे साइडों में इसके लॉकों को, और ये जो यहाँ से हल्का सा क्रैक था इसने इस वाली केबल टाई ने इसको रोक लिया। ठीक है, चलिए इसको फिट करते हैं, अब देखते हैं कि कामयाब रहा या नहीं।
चलो लगाओ टैंक। अब देखिए इसका पेट्रोल भी लीकेज नहीं हो रहा है, पाइप निकला हुआ है और पेट्रोल उतना का उतना ही है, नहीं लीकेज हो रहा है। तार लगा दी उसकी फ्यूल के पंप की, खाली स्विच ऑन करियो, प्रेशर देखें कैसा आ रहा है। ओ भाई खोलो, वो फुल तेज आ रहा है, बंद करो, परफेक्ट एकदम, चाबी ऑन ऑफ करने पे आ रहा है, स्विच ऑन करो। ओ भाई कितना तेज, बस बस बस, बहुत सही प्रेशर आ रहा है। ठीक है इसको लगाते हैं, टंकी टाइट करो, स्टार्ट करो, देखते हैं स्टार्ट कैसे होती है भाई, कब फिट करो उसको जल्दी। चलिए अब बारी है इसको स्टार्ट करने की। सिंपल सेट है बाइक बिल्कुल। FI वाली बाइक में यही, अगर आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं जा रहा है प्रेशर से, सेट है, कोई कमी नहीं बाइक के अंदर, परफेक्ट हो चुकी है। सो ये दोस्तों इसका फ्यूल पंप की मोटर की असेंबली, वो मतलब पेट्रोल से या तो कुछ हुआ है क्या हुआ है, प्लास्टिक होती है, बट फ्यूल पंप की जो हमारी प्लास्टिक है वो इसी तरीके की होती है ताकि पेट्रोल से ख़राब ना हो। बट इसकी ऐसा लग रहा है कि सुकड़ सी गई, अजीब सी हो गई और वो लॉक उसके ढील हो गए, जिसकी वजह से प्रेशर आया। क्योंकि इसमें एक कह सकते हैं इसमें एक वाल्व होता है जो जब आपकी बाइक आइडल है, जैसे अभी ये है, अब ये चला फ्यूल पंप, ठीक, तो इसके अंदर क्या हुआ, इंजेक्टर ने आगे पेट्रोल फेंका नहीं तो ब्लॉक हुआ हुआ है। ब्लॉक होने की वजह से एक वाल्व होता है जो जो ज़्यादा प्रेशर आने पर, जैसे 40 PSI पे सेट है ये, 40 PSI के बाद क्या होगा कि वो वहाँ से पेट्रोल फ्लो भेज देगा, तो मतलब 40 PSI समझ रहे हो कि अगर थोड़े बहुत भी लॉक हुए तो उसको बाहर निकाल देगा। तो यही वजह थी इसकी निकलने की। और ऐसा लग रहा था कि फ्यूल पंप ख़राब है भाई, बड़ी दूर से यार, पता नहीं कहाँ से, एक बता रहे थे कि इंडिया गेट पता नहीं कहाँ से लेके आए, धक्का मार के पैर लगा के किसी पता नहीं स्कूटी किस पे तो करके। तो ये शॉक वाली न्यूज़ है यार, किसी को एकदम से पता चले भाई फ्यूल पंप ख़राब है, हो सकता था इसका फ्यूल पंप ख़राब है, बट आपको पता है आपका भाई गलत नहीं बताता है, जो था आपके सामने निकला। बॉडी ख़राब थी, हमने उसको केबल टाई लगा दिया, केबल टाई तो हर मर्ज़ की दवा है भाई, राइड पे जाओ ना कहीं पे भी जाओ केबल टाई ज़रूर होनी चाहिए, नट बोल्ट की जगह काम कर देती है टेम्परेली भाई, कोई बड़ी बात नहीं, चैन लॉक भी बन गया उसका, हर रास्ते निकल के आ जाए, वो बस रहा है भाई। हमारे लड़के तो कभी बार पैंट के बटन टूट जाते केबल टाई से बांध देते हैं, वो गबरू ही बांधता है, शर्ट के बटन टूट गए केबल टाई से बांध देता है, भाई केबल टाई हर जगह चलती है, यहाँ पे भी चल गई, बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केबल टाई वाला जुगाड़ एक बाइक में और कर चुके हैं, कम से कम साल भर में चारा बढ़िया चल रहा है, तो इसलिए मुझे भरोसा है केबल टाई बढ़िया चलेगी। उम्मीद करता हूँ आप भाई को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी कुछ सीखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इंतजार के वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोज़ के साथ, बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। ये लॉक निकला हुआ है, हॉर्न मुंह पे ही बजाएंगे ये, ठीक, तो यही वजह होती है। देखो कह रहा है भी बांध कर, कहाँ बांध रखी है, पैंट में नीचे केबल टाई बांध रखी है बंदे ने, देख रहे हो भाई अलग ही चल रहा है, नेक्स्ट लेवल केबल टाई का ट्रेंड चल रहा है ये। तो बाकी आप भाइयों को वीडियो काट दें, कट कट कर दे भाई, फ्लो तोड़ दिया था अपन ने इसका, मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि प्रेशर नहीं आ रहा है, नहीं दोबारा काट दो,